होनी चाहिए, एक ख्वाहिश होनी चाहिए, एक हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए, तत्परता होनी चाहिए कि हमें प्रभु पाद को खुश करना है। और दूसरी चीज़ प्लानिंग बहुत अच्छी बननी चाहिए कि हमें किसी को देना है, कन्विंस करना है, क्या उसके लिए क्या योजना बनानी है, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और शिला प्रभुपाद जी जो है वो कहते हैं कि हमें खुद फाइनेंशियली असिस्ट करना शुरू कर देते हैं। प्रभु जी खुद शेयर करते हैं कि मैंने ये देखा कि हम जितनी बुक्स वितरण करते रहे तो हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी, सिचुएशन थी, वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होती गई। ऐसा नहीं कि भगवान के लिए आपको दे देंगे तो आप कमज़ोर हो जाएंगे या आपके पास जो है वो धन कम होना शुरू हो जाएगा। ये जो विश्व यूरोप के अंदर या विश्व के अंदर जो डिवोटीज हैं, आप देखो वो स्ट्रीट पर निकले हुए होते हैं ना हर वक्त, क्योंकि उनको पता है कि जी इससे प्रभुपाद की मर्सी मिलेगी, खुशी मिलेगी। पर साथ में इवन उनको जो अगर कुछ कष्ट भी आते हैं, फाइनेंशियली भी उनकी कंडीशन इम्प्रूव होती है। अगर हम अपना धन, अपनी लक्ष्मी जो है वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में या किसी सेवा में लगाते हैं, हमने फ्राइडे को क्लास की तो उसमें हमने देखा कि 50% हिस्सा जो है हमारी कमाई का वो हमें लगाना चाहिए किसी भी सेवा में। और उसमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन का नंबर वन सेवा जो शिला प्रभुपाद बहुत लाइक करते हैं, क्योंकि जब कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट धरती पर आई थी तो सबसे पहला काम जो हुआ था वहाँ के जितने इंटेलेक्चुअल्स लोग थे उन्होंने पढ़ना शुरू किया था। जितनी नॉलेज गेन करते हैं पढ़ते हैं उतना ज़्यादा जो है आपका प्रेम बढ़ता है, आपकी सेवा में रुचि बढ़ेगी। अभी भी प्रभु जी का ये नियम है कि डेली जो है 2 से 3 घंटे भागवत जरूर पढ़ते हैं। एंड पाकिस्तानी डिवोटीज के लिए भी इनका ये मैसेज है कि एक घंटा जरूर पढ़ें। अगर हम एक घंटा वो पढ़ेंगे चैतन्य चरित्र अपने भगवत गीता भागवत कोई भी बुक से आप शुरू से शुरू करें, एक घंटा पढ़ें, एक घंटा नहीं आधा घंटा नहीं एक श्लोक पढ़ें, एक श्लोक भी आप पढ़ते हैं तो इस लाइफ टाइम में आपकी लिब्रेशन या आपकी ये भक्ति योगा जो है उसमें आसानी हो जाएगी बहुत ज़्यादा, एक श्लोक पढ़ने से भी। ये हमारे शास्त्र कहते हैं तो एक घंटा ज़रूर आप निकालें पढ़ें, उससे फिर आपको वो उत्साह एनर्जी मिलेगी कि आप अच्छे से प्रभुपाद के लिए बुक डिस्ट्रीब्यूट कर सकेंगे। कौन कौन बुक डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तैयार है, करेंगे सब वीकली बेस पे भी बताना होगा कि कितनी करनी है हमने, हम सबको करना है बुक डिस्ट्रीब्यूट। एंड आई थैंक यू वेरी मच कि आपने इसको ध्यान से गौर से सुना, प्रभु जी थोड़े से शाय हैं तो ही जस्ट टोल्ड मी कि ये आप बता सकते हैं। पर आपके सवाल जो है